हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो एक्सेस की है। एक्सेस में देख सकते हैं आपके सामने एक कस्टम बटन मैंने बनाया और ये क्लोज का बटन है। अब ये क्लोज का बटन जैसे ही इस पे क्लिक करता हूं तो ये ऑटोमेटिक क्लोज हो जाता है, समझ गए। और इसमें जो है जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो ये ओपन भी हो जाता है और यहां पर कोई भी आपको जैसे नेविगेशन वगैरह या कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये जैसे मालूम पड़ता है कि एक कस्टम बनाया गया है, ठीक है ना, इसे कस्टम ही बनाया गया है। इस तरह का एक बटन अगर आपको बनाना है क्लोज का तो कैसे बनाएंगे, इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। इस तरह का कोई भी बटन आप बना सकते हैं, समझ गए। तो चलिए आइए इसको डिस्कस करते हैं कैसे बनाना है, ठीक है। तो शुरू किया जाए, क्या करना है, यहां से एक फॉर्म हमें लेना है। तो ये क्रिएट पे जाएंगे और यहां से एक फॉर्म डिजाइन पे चले जाते हैं, ठीक है। अब फॉर्म डिजाइन पे आ चुके हैं और यहाँ पर बटन हमें बनाना है। तो बटन पे क्लिक करना और यहाँ पर एक बड़ा सा बटन ड्रैग कर दीजिए आप, ठीक है। और इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे नाम इसको दे देने वाला हूँ, लाइक सपोज कीजिए क्लोज, CLOSE। तो ये क्लोज नाम दे दिया हमने इसे, ठीक है ना। अब क्लोज तो नाम दे दिया है हमने इसे, अब हमें कहाँ चलना है, अब हमें चलना है प्रॉपर्टी शीट पर। तो ये हम ऑलरेडी प्रॉपर्टी शीट में है, आपको दिख ही रहा होगा, ये प्रॉपर्टी शीट पे ही हम है। और अब हम चलेंगे नेम वाले सेक्शन पर, तो यहां आ गए। अब इस बटन को हम एक नाम दे देते हैं, लाइक यहां पर दे दिया CMD। क्या दे देंगे आगे, कुछ भी ऐसा दे सकते हैं, जैसे हम दे देते हैं क्लोज, CMD क्लोज दे दिया इसको नाम, ठीक है ना। तो ये नाम आपको दे देना इस तरीके से, ठीक है। अब नाम दे दिया, चलिए नाम तो दे दिया, अब क्या करना है, अब हमें सीधा आना है कहां पे, हमें आ जाना है सीधा इवेंट वाले सेक्शन पे। तो ये इवेंट दिया हुआ है, यहां पर आ जाइए और यहां दिया हुआ है ऑन क्लिक, देख रहे हैं। तो ये ऑन क्लिक दिया हुआ है ना, तो इस पे नहीं जाकर के आपको इवेंट पे ये जो है ना यहां पे रहना है, आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे क्लिक करेंगे तो कोड बिल्डर नजर आएगा, इस पे ओके कर दीजिएगा। अब ये सेक्शन खुला हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर पहले तो इसको वाला ये वाला क्लोज कर देता हूं। ये जो सेक्शन खुला हुआ है ना, इस पे कुछ कोडिंग करनी है हमें, क्या करना है कोडिंग उसको देखते हैं। तो कोडिंग यहां पे लिखना है हमें डू सीएमडी, इस तरीके से लिखिएगा डू सीएमडी। और हमें बनाना है बटन क्लोज का, तो यहां लिखिएगा क्लोज, ठीक है, इस तरीके से लिखिएगा क्लोज। और यहां पे मैं दे देता हूं फॉर्म, एसी फॉर्म इस तरीके से। और यहां पे मी डॉट नेम ये लिख दिया, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं ये मी डॉट नेम आ गया यहां पे, और ये कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है, ठीक है। और अब क्या करना है, ये करने के बाद इसको सेव करना होगा, ठीक है। तो इसको सेव कर लेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं, लाइक पॉपअप फॉर्म के नाम से सेव कर देते हैं। तो ये ऑलरेडी मेरे ख्याल से एग्जिस्ट है, पहले से मैंने बना रखा है, पॉपअप फॉर्म 1 कर देते हैं। तो ये हो गया, अब इसको हम यहां से मिनिमाइज कर सकते हैं, ये मिनिमाइज कर दिया है हमने, ठीक है ना। तो ये हमारी कोडिंग हो गई है, अब कुछ बेसिक सी सेटिंग हमें करनी है। अब देखिए ये दिखेगा कैसा, थोड़ा सा इसको बोल्ड वगैरह कर देते हैं ताकि लुक थोड़ा अच्छा है, और इसकी साइज को भी इंक्रीज कर देते हैं। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से, और यहाँ कलर भी चाहे तो आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए ये आपका बटन बन गया, तो ये इस तरीके से दिखेगा। काम कैसे करेगा, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि कुछ चेंज करना है कि क्लोज करना है। तो आप कहिएगा कुछ नहीं चेंज करना है, नो, तो नो कर दीजिएगा तो ये बंद हो जाएगी विंडो, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से होगा। अब इसमें कुछ बेसिक सी सेटिंग हम कर लेते हैं, क्या सेटिंग करेंगे आइए दिखाता हूं। यहां पर इसको डिजाइन व्यू पे ले लीजिएगा, डिजाइन व्यू पे लेने के बाद इसको वापस से कर लेता हूं बोल्ड, और ये साइज वगैरह बढ़ा लेता हूं, सेव नहीं किया था हमने इसमें, तो ये कर लिया इस तरीके से, और इसको एक बार सेव कर देते हैं। तो ये सेव हो गया। अब सेव करने के बाद क्या करना है, जैसे ही सेव करेंगे तो कुछ ऑप्शन इसमें हमें करने हैं सही। तो क्या करना है सही आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्म चूज कर लीजिएगा, तो ये फॉर्म चूज कर लिया। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपको करनी है, क्या क्या करना है आइए देखते हैं। सबसे पहले तो क्या करिएगा आप कि यहाँ पर ये देखिए ये यहाँ पे अदर है, अदर में पॉपअप को आप चालू कर दीजिएगा, ये पॉपअप चालू रहेगा। और यहाँ पर आप देखेंगे ना मॉडल है, तो मॉडल जो है यहाँ पे यस रहेगा, तो मॉडल को भी यस कर दीजिएगा, ठीक है। इन दोनों को यस कर दीजिएगा, ये पहला काम। इससे फायदा क्या होगा, सेव कर लेता हूं। और ये देखिए ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, ये देख रहे हैं। तो यहां पर क्लिक करते ही ये इस तरीके से बंद हो जाएगा, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं डिजाइन व्यू पर, ठीक है, इसे वापस से डिजाइन व्यू पर ले लिया है। अब क्या करना है आगे, इसको
तो कैप्शन में इसको कोई भी कैप्शन दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे पॉपअप दे देता हूँ, पॉपअप, ठीक है। तो ये दे दिया, और ये दिया हुआ है अलाउ फॉर्म व्यू, ठीक है। तो फॉर्म व्यू को अलाउ करना है, हाँ फॉर्म व्यू को अलाउ करना है, डेटा शीट व्यू को अलाउ नहीं करना है। तो यहाँ पे डेटा शीट व्यू को नो कर दीजिएगा, ठीक है ना। ये पाइवोट टेबल व्यू को भी नो कर दीजिएगा, ठीक है, और ये पाइवोट चार्ट व्यू को भी नो कर दीजिएगा। लेआउट व्यू चाहिए या नहीं, तो नहीं चाहिए तो यहां पर इसको नो कर दीजिएगा। तो ये सारे काम कर लीजिएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे दिया है पिक्चर साइज मॉडल वगैरह, ये सारी चीजें देखी रही होंगी आपको। और यहाँ पे दिया हुआ है फिट टू स्क्रीन, ठीक है, तो फिट टू स्क्रीन नो रहेगा, ठीक है ना। फिट टू स्क्रीन क्या रहेगा, नो रहेगा, तो यहां से आपको नो करना होगा। तो यहां पर जो आ रहा है फिट टू स्क्रीन, इसको आप जाकर के नो कर दीजिएगा, ठीक है ना। और कौन कौन से ऑप्शन नो रहेंगे, रिसाइज करने वाला ऑप्शन नो रहेगा। यहाँ पे देखिए ये यस है, तो इसको आप नो बना दीजिएगा। नेविगेशन बटन हमें ऑफ करना है, तो यहाँ पे देखिए नेविगेशन बटन यस है, ठीक है ना, इसको नो कर दीजिएगा। सेलेक्टर भी ऑफ करना है, तो सेलेक्टर को यहाँ से ऑफ कर दीजिएगा, समझ रहे बात को। और यहाँ पर मिनिमाइज, ये बोथ इनेबल दिया हुआ है, तो इसको नन कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये सारे काम आपको करने हैं, ठीक है। अब ये सब हो जाता है तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है। तो अब आप देखेंगे कि आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, इस पे कोई भी अदर इंटरफेस आपको नजर नहीं आएगा, ठीक है ना। इस पे कोई अदर चीज आपको नजर नहीं आएगी। और इसमें एक क्लोज बटन है, क्लोज बटन को भी चाहे तो आप ऑफ कर सकते हैं। कैसे ऑफ करेंगे, यहाँ पे देखिए ये क्लोज कट वाली विंडो दिख रही है आपको, कट साइड में आ रहा था, ऐसा एक बटन बन के आ रहा था ऊपर। तो यहाँ पे क्लोज विंडो का भी एक ऑप्शन दिया रहता है, क्लोज बटन का, तो ये क्लोज बटन को भी आप नो कर दीजिएगा। तो अब आप देखेंगे ना, तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, ये एक एकदम कस्टम सा क्लोज बटन दिखाई देगा इस तरीके से। देखिए ये देख रहे हैं, तो ये क्लोज बटन बनकर के तैयार हो गया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा।